गया 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 क्यों मार रहा है इतना सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हमारे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप का नाम है Asus Zephyrus GA502। ये गेमिंग लैपटॉप है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लैपटॉप का प्राइस 1 लाख रुपए से सिर्फ 10 रुपए कम है। ये लैपटॉप कैसा है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैपटॉप के डिजाइन की। तो कंपनी ने इसमें ऑल ब्लैक डिजाइन दिया है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। पीछे कंपनी ने ROG का लोगो भी दिया है जो ग्लो करता है जब लैपटॉप ऑन रहेगा और ये देखने में काफी अच्छा लगता है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि अच्छा है। बाकी गेमिंग लैपटॉप्स की तरह इसमें आपको कलरफुल लाइट्स नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाइट लाइट का ही ऑप्शन दिया गया है। कीबोर्ड के जस्ट ऊपर आपको स्पीकर मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी स्लिम और हल्का भी है। ये सिर्फ 2.1 kg का ही है। लैपटॉप के डिस्प्ले में बेजल्स आपको बहुत कम दिखेंगे, इतने से बेजल्स इसमें दिए गए हैं जो कि अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि अच्छा है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम है। ये मुझे बहुत बड़ा वीकनेस लगा इस लैपटॉप का। अब अगर ट्रैकपैड की बात करें तो इसका ट्रैकपैड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप में इसकी पोजिशनिंग जहाँ होनी चाहिए कीबोर्ड के नीचे वहीं है। बाकी लैपटॉप से हमने साइड में भी देखा है, ROG में, इस साइड में भी देखा है, लेकिन इस लैपटॉप में एकदम आइडियल पोजिशन पर है जहाँ इसे होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस लैपटॉप की ये है कि इसमें सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। कंपनी ने कोई भी पोर्ट नहीं हटाया है जो कि अच्छा है। इस साइड आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, बाकी पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर इस गेमिंग लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको AMD Ryzen 7 3750 CPU मिलता है NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GPU के साथ जो कि अच्छा है। इसमें आपको 512 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है 16 GB RAM के साथ। इस लैपटॉप में गेम खेलते हुए मुझे कोई भी हीटिंग इशू या लैग देखने को नहीं मिला। गेम काफ़ी स्मूथ चला। बस प्रॉब्लम मुझे इसके एरो कीज यूज़ करने में हुआ जो कि काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी पास पास प्लेस किए गए हैं। अब अगर इस लैपटॉप के साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। इनफैक्ट जब मैं गेम खेल रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गोली मेरे आसपास चल रही है। तो ऑडियो में कोई शिकायत नहीं है मुझे इस लैपटॉप से। अब अगर इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें आपको 76 Wh 4-cell लिथियम आयन बैटरी मिलती है और इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मैंने इस लैपटॉप में 3 घंटे बैक टू बैक गेम खेला, उसके बाद फिर मूवीज़ देखी और वेब ब्राउजिंग भी की। टोटल मिला के मुझे 6 घंटे का बैकअप दिया इस लैपटॉप ने। ओवरऑल इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं इंप्रेस हूँ इसके बैटरी परफॉर्मेंस से। और ये मैसेज अब उन लोगों के लिए है जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि आपको अपना वेबकैम अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि इस लैपटॉप में आपको वेबकैम नहीं मिल रहा है। इस लैपटॉप में आपको आर्मरी क्रिएट करके एक ऐप दिया गया है जिससे आप अपने लैपटॉप की CPU और GPU की यूसेज चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लैपटॉप के हीट लेवल को भी कंट्रोल करती है। नाउ इट्स टाइम फॉर वर्डिक्ट कि ये लैपटॉप मुझे कैसा लगा। तो ओवरऑल ये एक अच्छा लैपटॉप है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है। ये लैपटॉप आपको 99,990 में मिल जाएगा जो कि एक अच्छा डील है। बस इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है इसका वेबकैम का मिसिंग होना और डिस्प्ले का ब्राइटनेस थोड़ा कम होना, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा लैपटॉप है, आप इसको खरीद सकते हैं।